मांडर मुखिया संघ ने मांडर विधानसभा क्षेत्र में अबुआ आवास समेत कई जन कल्याणकारी योजनाओं में विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की मनमानी का विरोध किया। इसके साथ ही सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किसपोटा को मांडर विधायक शिल्पा नेहा तिर्की और पिता बंधु तिर्की द्वारा साजिश रचकर निलंबित करने का भी मुखिया संघ विरोध कर रहा है। मांडर मुखिया संघ ने मांडर विधानसभा क्षेत्र में अबुआ आवास समेत कई जन कल्याणकारी योजनाओं में विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की मनमानी का विरोध किया है। मांडर क्षेत्र के सभी मुखिया ने अनिश्चितकालीन धरना ब्लॉक के पास दे रहे हैं। बता दें कि विधायक की मनमानी से मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, रांची डीसी को भी अवगत कराया गया है। सरकार अगर निलंबन वापस नहीं लेती है तो हम लोग और आंदोलन करेंगे और केंद्र तक यह मामला को लेकर जाएंगे। रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उराव ने कहा कि मांडर विधायक द्वारा अबुआ आवास एवं अन्य योजना के लाभुकों को हिदायत दी जा रही है कि आवेदन में उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए जाने पर ही सुविधा बहाल होगी। मांडर प्रखंड के सभी मुखिया बीडीओ को ज्ञापन भी दे चुके हैं। इस मौके पर मुखिया प्रभा किसपोटा, लक्ष्मण भगत, सुकरा उड़ाव, वीरेंद्र, संतोष खुजूर, चमरा उड़ाव, सोहनती एक्का और बिगी उरेन समेत कई मुखिया भी मौजूद थे। देखिए, आज हमारे मांडर प्रखंड के मांडर में हमारे विधायक शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के हक अधिकार पर हमला करने की प्रयास किया जा रहा है और जितने भी पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्य क्षेत्र है उसमें दखल दिया जा रहा है और हमारे प्रखंड के सरा पंचायत के मुखिया श्रीमती प्रभा किसपोटा को बगैर कारण सिद्ध हुए उनको मतलब राजनीति के कारण से उनको पद से पदच्युत कर दिया गया है, जो बहुत ही दुख की बात है। इस तरह की मुखियाओं को बगैर कारण और बगैर मतलब कारण सिद्ध हुए किसी को पद से पदच्युत करना, ये एक गलत मानसिकता को दर्शाता है। और हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो प्रखंड कमेटी जो है हमारे मुखिया संघ की, उस कमेटी के ऊपर भी हमारे विधायक का बार बार नजर रहता है कि मतलब किसी तरह का हम लोग अच्छी आवाज़ को मतलब अच्छा चीज़ को आगे लाने का प्रयास करते हैं, अपना हक अधिकार के बारे में बोलते हैं तो उसमें भी दखल दिया जाता है। और बार बार विशेषकर अभी हम लोग का अबू आवास इसके शुरुआत था, अबू आवास में मान के चलिए कि हमारे मुखियाओं का कार्य क्षेत्र है और कार्य क्षेत्र जो होता है हमारा ग्राम सभा और कार्यकारिणी जो है वो मेरा मतलब सबसे प्राथमिकता है ग्राम पंचायत का, तो उसके माध्यम से हम लोगों ने अबू आवास का लाभुकों का चयन कर किए, उस चयन को उन्होंने सीधे खारिज कर दिए और उनका सीधे तौर पे कहना है कि मेरा पंचायत प्रतिनिधि गांव-गांव जाएगा और वो सिलेक्शन करेगा और वो जो सिलेक्शन करके लाएगा उसको मैं अनुशंसा करूंगी और वही लाभुक का होगा। तो बताइए कि इस तरह का हिटलर शाही, इस तरह का मतलब तानाशाही मतलब हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि देखिए हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जिस संविधान का जिस प्रक्रिया से चुनकर आई है हम लोग भी उसी सेम प्रक्रिया से चुनकर आए हुए हैं। उनका जितना मतलब कार्य क्षेत्र है, उनका जितना काम करने का जो अधिकार है अपना क्षेत्र में, हम मुखियाओं का भी अपने क्षेत्र में पावर है और हम अपना पंचायत के हम खुद मुख्यमंत्री हैं और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और जब तक हमारे मुखिया श्रीमती प्रभा किसपोट्टा को जब तक पद चूज किया गया है, जब तक उनका निलंबन वापस नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग आगे भी धरना को जारी रखेंगे और इसके लिए हम लोग आगे तक कदम बढ़ाएंगे। भगत ग्राम पंचायत बरगड़ी का मुखिया हूँ और मांडर प्रखंड का मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ। देखिए, इनको तो हम लोग अपना मान के इनको हम लोग बहुत सहयोग किए 2-3 बार और हम लोग जिस तरह से अपना उनको समझ रहे थे, लेकिन आज पता चल रहा है कि हम उनको अपना समझ रहे हैं लेकिन वो हम लोगों को अपना नहीं समझ रही है। इसीलिए आने वाला कल हम लोग अपना कदम कुछ अलग उठाएंगे और इस तरह का हम लोग जनप्रतिनिधि को नहीं रहने देंगे। हम लोग कुछ अच्छे प्रतिनिधि को चुन के लाएंगे, काहे कि यहाँ मोहब्बत की दुकान चलेगी, नफरत की दुकान नहीं चलने देंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं। मैं बहुत भारी मतों से वोट जीत के आई हूँ और जितना भी पंचायत में काम आता था सबको अच्छी तरह से करती हूँ। उसके बाद फिर जब सरना सौंदर्यीकरण आया था उसमें हम लोग
क्या हुआ, क्यों मतलब इतना भावुक हो रहे हैं, मतलब क्या कहा? सरना सौंदर्यकरण आया था सर, उसमें विधायक का था, सांसद का था, तो हम लोग को लगा विधायक मतलब ब्लॉक तरफ से पता होगा बोल के हम लोग नहीं कुछ बोले। उसी बीच में सांसद आके उसका शिलान्यास कर ही रहे थे, नहीं किए थे हम लोग शुरुआत उसका, वही बीच में विधायक चली गई, उसके बाद खूब गाली गलौज करने लगी, बहुत लड़ाई करने लगी हम लोग के साथ। कौन गाली गलौज की? विधायक शिल्पी ने हाथिर की वो गाली गलौज जी आपको? जी हम लोग से लड़ाई करने लगी सब से। अभी आप धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ मांग है, क्यों बैठे हैं? सर हमको मुखिया पद से निलंबित कर दिया गया है सर, बिना कारण का, सबको मुझे न्याय मिलना चाहिए सर। तब तक धरने पे बैठे रहिएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे सर। नाम और ये बता, अपना पूरा नाम बता। मेरा नाम प्रभा किसपट्टा, मैं सरवा पंचायत की मुखिया। मेरा नाम संतोष किसपट्टा है, मांडर प्रखंड महुआ जड़ी पंचायत का मुखिया हूँ, वर्तमान में मुखिया मैं हूँ। अभी जिस तरह से मांडर विधानसभा में जो असंवैधानिक तरीका से जो हमारे मुखिया संघ के एक मुखिया है, इनका नाम है महिला मुखिया प्रभा किसपट्टा, सरवा पंचायत के मुखिया है, उनके ऊपर में गलत तरीके से उनका प्रोसिक्यूट किया गया है। और साथ ही साथ हम लोगों को भी इस तरह से दबाव होता है जैसे कि हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग भी एक प्रतिनिधि हैं और हम लोग से ऊपर विधायक भी एक प्रतिनिधि है और दोनों का सेम प्रक्रिया है, चुनाव का प्रक्रिया सेम है, लेकिन भी हम लोग को जोर दबाव से दबाया जाता है, अपना पावर का इस्तेमाल करके दबाया जाता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो या जनता के माध्यम से हो, हम लोगों को दबाया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि प्रभा किसपट्टा का अगर प्रोसिक्यूट किया गया है तो किस आधार पे, किस बेसिस पे किया गया है, ये हम सभी मुखिया जानना चाहते हैं। पूरा ऑल ओवर झारखंड का 24 जिला का सभी मुखिया समर्थन करते हैं और 81 विधानसभा से लेकर के सभी मुखिया लोग आग्रह करते हैं कि जो गलत तरीके से जो किया गया है, जो असंवैधानिक तरीके से जो प्रभा मुखिया के साथ में जो कार्रवाई की गई है, जो कि कार्रवाई करना था उनको नियम के तरीके, अगर कोई गलत चीज पाया गया था तो। कहने का मतलब है कि 4/7 को उनका स्पष्टीकरण का मांगा गया था, लेकिन उसको ना करके 9/7 को निकाल दिया, फिर तुरंत प्रोसिक्यूट का निकाल दिया गया, जो विभागीय जो होना चाहिए पंचायत विभाग का वो ना होकर के डायरेक्ट ही इनको ऊपर से दबाव दे करके मुखिया जी को प्रोसिक्यूट किया गया। प्रोसिक्यूट और निलंबन ये दोनों चीज अलग ही है, दोनों चीज अलग है। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है जैसे एक प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो उसको चोट लगता है तो कुछ कारणवश वो बैठ जाता है, लेकिन जो प्रोसिक्यूट होता है उसे डायरेक्ट पद से हटाया जाता है। डायरेक्ट मुखिया जी से ना कोई स्पष्टीकरण लिया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई, उनको डायरेक्ट हटाया गया है। इससे हमारा सभी मुखिया, हम लोग टोटल रांची जिला के लेकर के पूरा 24 जिला का सभी मुखिया हम लोग नाराज हैं। हटाने का कारण है क्योंकि एक सरवा पंचायत में एक मसना का सरना का सुंदरीकरण हो रहा था, जिसमें हम लोग का मुखिया जी वो जिला कल्याण विभाग से हो रहा था, जिसको हम लोग का सांसद महोदय सुदर्शन भगत जी को बुलाया गया था शिलान्यास करने के लिए, जिसमें शिलापट में हम लोग का विधायक महोदय का भी नाम था और जो सांसद महोदय उनका भी नाम था, प्रमुख का नाम था, उसके बाद में जिला परिषद का नाम था, मुखिया का नाम था, पंचायत समिति का नाम था, वार्ड सदस्य का नाम था, सब कुछ उसमें प्रॉपर तरीके से किया गया था, लेकिन भी उसको नहीं बुलाया गया किसी कारणवश या नहीं बताया गया, विभाग उसको बताना चाहिए था, नहीं बताया वो विभाग का काम था, नहीं बताया वो, लेकिन सांसद महोदय को हम लोग बुला करके करवाए थे, जिसमें आकर के शिल्पी नेहा तिर्की जी आकर के आप अदर शब्द का इस्तेमाल किए थे, तो वही सब मामला को लेकर के अपना पावर को लेकर के प्रभा मुखिया के ऊपर में मोनेस्ट करने का काम किए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, चोरी भी करता है तो उसका पूछा जाता है कि भाई चोरी क्यों आप, लेकिन बिल्कुल उस तरीके से नहीं, असंवैधानिक तरीके से उसको गलत तरीके से, जबकि आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, 30 में लिखा हुआ है कि किसी भी मुखिया को किसी प्रकार का उसको निलंबित करने का प्रावधान है, लेकिन उसको प्रोसिक्यूट करने का कोई नियम ही नहीं बना आज तक पूरा झारखंड में, पूरा बिल्कुल नहीं बना हुआ है, कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं। हम लोग का अगला कदम है, अगर यहाँ पर सरकार अगर हम लोग का निलंबित वापस नहीं करती है तो हम लोग केंद्र तक जाने का काम करेंगे, और हम लोग केंद्र तक जाने के लिए काम पूरा प्रक्रिया में लगे हुए हैं।
हम लोग आगे तक जाएंगे, केंद्र तक जाएंगे इसके लिए, दूसरी सरकार से मांग रखेंगे कि हम लोग का इस तरह से हम लोग का मुखिया का कोई भी काम को हस्तक्षेप, माननीय विधायक महोदय हो, सांसद महोदय हो, हम लोग को ना करे, किसी भी कीमत में ना करे, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना काम करे वो लोग, अन्यथा तो हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल्याण विभाग की ओर से एक सरना स्थल का सौंदर्यीकरण योजना स्वीकृत, इसको विधिवत शिलान्यास के लिए हम लोग उन्होंने ऐसे भी हमको नहीं मिला, खबरों नहीं मिला, ये सब करके हमें लोग छोटा वाला ही डालते हैं, प्रेस जितना है ना मीडिया ग्रुप सब में डाला जाएगा, बदला लेने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से गलत गलत काम करवाना चाह रही थी मुखिया जी को, दबाव में तो वो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा दबाव दिया जा रहा था, जो गलत है उसको वो काम नहीं की और नहीं काम की, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ बुला करके मशवरा करके गलत तरीके से इनके खिलाफ में अनाप शनाप लिखवा करके ग्रामीणों से इंदिरा आवास मिल रहा है ये बोल करके हस्ताक्षर वगैरह करवा करके उसको जमा कर दिया ब्लॉक में, और मैंने एक और उसी को आधार मानकर इनको जबरन मैंने अपना प्रभाव दिखाकर सरकार में अध्यक्ष जी बसा रहे हैं करके वो उनका लेना जरूरी है, चंपा सुरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके पास गए, अपने से ही लोग दोनों बाप बेटे दोनों मिलकर के गए और वहां भी उनसे भी सहन मुनाकत करवा करके बिना नियम को एक तरफ जो नियम नहीं है उसके विरोध में मैंने उसके खिलाफ में भी जबरदस्ती डीसी महोदय को भी जबरदस्ती दबाव बना करके डीसी महोदय सबका दबाव बना करके इस तरह का ये करवाए हैं, और मैंने हम लोग यही चाहते हैं कि इसका मुखिया पद इसको वापस मिले, और हम लोग इसके लिए आगे का हम लोग हाईकोर्ट भी जा रहे हैं, हम लोग इन लोग को पार्टी बनाएंगे ऐसा हम लोगों का मैंने सोच है, धरना भी जारी रहेगा। वीरेंद्र उरांव हुआ और ग्राम पचपदा से हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हे हमारे आदिवासी भाइयों, मैं आप सबों से मेरा नम्र निवेदन होगा, ऐसे ऐसे विधायकों को हमारे लगभग 20 साल से यहाँ ही हैं, इसको किसी भी हालत में इसको इस बार यहाँ से हटाना है, और कोई नए अच्छे लोगों को जो हमारे जो सेवा करने वाले हैं उनको हम लोग यहाँ लाने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।